अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बीजेपी सांसद का मुलायम सिंह पर वार, मुलायम सिंह यादव को लेकर की टिप्पणी, सांसद के बयान के बाद सपाइयों में उबाल, इटावा से बीजेपी सांसद ने दिया है बयान, सपाई बोले सांसद की हिम्मत कैसे हुई। सांसद के बयान के बाद सपा बीजेपी आमने सामने। किसानों का समर्थन कर रही समाजवादी पार्टी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा से बीजेपी के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने तंज कसा है। सांसद ने तंज कसते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी की, जिसके बाद सपा नेताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी सांसद ऐसा आखिर बोल कैसे सकते हैं। सांसद के बयान के बाद इटावा में तो सपा नेता गुस्से में दिख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत में सपाइयों का गुस्सा हाई लेवल पर दिख रहा है। दरअसल बीजेपी सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा कि मुलायम सिंह यादव वास्तव में धरती पुत्र हैं, लेकिन आज उनके साथ कोई किसान नहीं है और न समाजवादी पार्टी में कोई किसान है। समाजवादी पार्टी अब किसान मुक्त हो गई है। सिंचाई विभाग के सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कठेरिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव वास्तव में धरती पुत्र हैं, लेकिन आज उनके साथ कोई किसान नहीं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रही समाजवादी पार्टी के साथ अब कोई किसान नहीं है, इसलिए इनका आंदोलन करना बनता ही नहीं। साथ ही कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए हर हाल में फायदेमंद है, लेकिन इसके संदर्भ में देश में विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। कठेरिया ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हर तरह की योजनाओं और सेवाओं को शुरू कर रही है, जिनके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी आय बढ़ेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने नया कृषि कानून बनाया है, जो किसानों की फसल बाजार, फसल मूल्य और बाजार मूल्य सभी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के हित में लाया गया कृषि कानून जरूर ही भारत के विकास की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। मामले पर सपा नेताओं ने निशाना साधा और कहा कि अगर सांसद को लगता है कि ये बिल इतना ही अच्छा है, तो फिर सरकार इसके फायदे बताने के लिए किसानों के पास क्यों नहीं जा रही, सरकार अपना मुंह छुपाकर क्यों घूम रही है। सपा नेताओं ने कहा कि बीजेपी सांसद का बयान बेहद शर्मनाक है और इस बयान की हम निंदा करते हैं। अब देखना यह है कि बयान के इस विरोधी बयार से प्रदेश की सियासत में क्या बदलाव दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।